अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होने जा रही है जो लोग स्टॉक मार्केट में रिस्क ज़्यादा लेते हैं और रिस्क लेकर वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, क्योंकि एक ऐसा स्टॉक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो फंडामेंटली तौर पर एक डिफॉल्टर कंपनी है, लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर मैं बात करूं तो कभी कभी फंडामेंटल से ज़्यादा टेक्निकल्स काम करते हैं। तो जिस स्टॉक को मैं डिस्कस करूंगा उसका नाम है हेस्कॉल पेट्रोलियम। हेस्कॉल पेट्रोलियम को डिस्कस करने की वजह यह है कि बहुत सारे लोग हैं जो इसमें ट्रेडिंग करते हैं और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं हेस्कॉल से। तो हेस्कॉल में इस वक्त बहुत अच्छे वॉल्यूम लग रहे हैं और काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा है। फंडामेंटली ये शेयर जो है वो बिल्कुल भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि जो लोग अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये शेयर नहीं है, बल्कि वो लोग जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाकर फौरन एग्जिट लेना चाहते हैं और रिस्क लेना चाहते हैं, तो उनके लिए आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि हेस्कॉल को आज मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा कि कैसे ये आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि इसमें जो अभी मुझे नज़र आ रहा है ये 1 से 2 रुपए का गेन देगा आने वाले 2 से 3 दिन में। तो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि जिन लोगों के पास हेस्कॉल है या जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है और उनको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। और एक डिफ़ॉल्टर कंपनी है, डिफ़ॉल्टर शेयर में आपने ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करना होता, बस आपने प्रॉफिट कमाना है और उसके बाद एग्जिट करना होता है। लेकिन टाइमिंग बहुत ही मैटर करती है और मैं हमेशा आपको कोई भी स्टॉक रिकमेंड करता हूँ तो हमेशा टाइमली करता हूँ। आप देखें कि मैंने इससे पहले आपको सुनहरी बैंक, बैंक ऑफ पंजाब और लाल पीर पावर, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी, एवेंशन, ये सारे स्टॉक रिकमेंड किए हैं पिछली वीडियोज़ में। और आप देखें कि सुनहरी बैंक मैंने आपको 9 रुपये पर रिकमेंड किया था और अब देखें कि 12 के करीब वो ट्रेड हो रहा है, तो कुछ ही दिन में उसने 2 से 3 रुपए का गेन दिया है। इसके अलावा बैंक ऑफ पंजाब 5 रुपए से नीचे मैंने आपको कहा था कि इसमें एक अच्छा वॉल्यूम बनेगा और कुछ ही दिन में आप देखें 2 से 3 दिन में वो अब जो है वो उसने भी 50 या 60 पैसे का गेन दिया है। तो छोटे स्टॉक में 1 से 2 रुपये का गेन भी बहुत ज़्यादा माना जाता है और ये एक अच्छा प्रॉफिट कंसिडर किया जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं टाइमली आपको अच्छे से अच्छे स्टॉक्स के बारे में बताऊं ताकि आप लोग स्टॉक मार्केट से ज़्यादा पैसा कमाएं। तो व्यूवर्स, सबसे पहले बात करेंगे हेस्कॉल पेट्रोलियम की करंट प्राइस की। करंट प्राइस इस वक्त 6.80 पर ये ट्रेड हो रहा है और इसकी जो बाइंग रेंज बन रही है वो 6.5 से 7 के दरमियान बन रही है, तो ये परफेक्ट टाइम है इसको एक्युमुलेट करने का। और वो लोग जो पैनी स्टॉक्स में काम करना चाहते हैं और रिस्क लेना चाहते हैं तो ये हाई रिस्क हाई रिटर्न शेयर है इस वक्त हेस्कॉल पेट्रोलियम। लेकिन मैंने आपको बताया है कि स्टॉक मार्केट में काम करने का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि पैसा कमाना, तो फंडामेंटल्स जो है वो टेक्निकल से ज़्यादा कभी कभी काम कर जाते हैं और हेस्कॉल जैसे डिफॉल्टर शेयर्स में टेक्निकल्स काम करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि परफेक्ट एक्युमुलेशन फेस है और इस वक्त आप बाय करेंगे तो आपको ये काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा। इसके अलावा जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि फ्यूल की जो प्राइस है वो काफ़ी कम हुई है, तो एक अच्छा चार्म मोमेंटम बन सकता है ऑयल एंड मार्केटिंग सेक्टर में, जिसमें हेस्कॉल में अच्छी मूव देखने को मिलेगी। टारगेट प्राइस इसका 8 रुपये तक हो सकता है। जब ये 8 रुपये या इससे अबव जाए, जिन लोगों के पास है और जो लोग अभी इसको बाइंग करेंगे इस लेवल पर, जो लेवल मैंने आपको बताया है 6.5 से 7 रुपये के दरमियान, इसका बेहतरीन लेवल है बाई करने का। तो जो लोग इसको बाई करेंगे और जिनके पास पहले की बाइंग है, तो 8 रुपये या इससे ज़्यादा पर अगर ये जाता है तो आप लोग इसको सेल करके अपना प्रॉफिट कमा लें, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में आपने होल्ड नहीं करना होता, जस्ट आपने प्रॉफिट कमाना है और एग्जिट लेना है टाइमली। इसमें टाइमिंग मैटर करती है और टाइमली मैं आपको हमेशा एडवाइस करता हूँ जब स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा फ़ायदा दे रहा हो। तो व्यूवर्स, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको टाइमली गाइड करूं ताकि आप लोग स्टॉक मार्केट से पैसे कमाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैंने हेस्कॉल को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक वैल्यू एडिशन साबित हुई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को टाइमली मिलती रहे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।